तो अभी हम चलते जा रहे हैं और जेकेबी के जवान भी हमारे साथ चलते जा रहे हैं। भैया जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, राधे 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 राधे। घूमे घूमे बंजारे, घूमे दुनिया ये बेचारे, जोलो विच वे डू गो, अब आगे होगा क्या। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो। माता नी मंदी, जय माता दी, असे मनाना, जय माता दी, पैदल जाना, जोर से जाना, जय माता दी। और ये भी भैया अपने लगाए हुए देसी। हाँ हाँ, क्या बात है, ये सेब भी देसी है, खीरे भी देसी है, और अपना बंदे भी देसी है। वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना आपको, वो क्रॉस करके हमने नीचे उतरना है। तो आज भाई साहब असली परिश्रम जो है वो हमारा होने वाला है, असली परीक्षा होने वाली है। भाई बहुत थक गया यार, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और रास्ता खत्म होने को नहीं आ रहा है। शुरू शुरू में मज़ा आ रहा था, अब बहुत थकावट हो रही है भाई। और ये जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है, ये है त्रिकुटा पर्वत, और इसी की परिक्रमा जो है हम अभी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बकलोल जनता, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग्स। सो वक्त हुआ है सुबह के 5:30 और अभी मैं कच्ची छावनी में हूँ। आज हम त्रिकुटा परिक्रमा यात्रा करने जा रहे हैं, जो कि क्लाउड कैंपेन ट्रैक्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड करा रहे हैं अपने विशाल भैया जंगल गली वाले ही। और सुबह कच्ची छावनी में सारे लोग आ रहे हैं, इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं हम कि अपने चौक चबूतरे वाले अंकल जी जो कि हलवा खिलाते हैं हमें गर्मा गर्म, वो भी मसा भी अभी जा रहे हैं। अंकल बनाना है हलवा, अभी बन गया हुआ है। चलो कोई चक्कर नहीं, आना अभी ठीक है, आते आते, चलो आते कहा है। वैसे हमने इतने निकलना है कटरा के लिए, विशाल भैया को फोन करते हैं, उनको बुलाते हैं बाहर आ जाओ। तो फिलहाल करण भाई मिले हमें, व्हाट्सअप ब्रो, बढ़िया क्या हाल चाल, ठीक हो? बाकी भाई लोग हैं हमारे, विशाल भैया ऑलरेडी चले गए हैं क्योंकि हम लेट हो गए थे 5:30 आके भी, सवेरे सवेरे हम लेट हो गए। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो आज की ट्रिप स्टार्ट होती है कच्ची छावनी वाले चौक से निकल रहे हम। राधे 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 राधे। सो कटरा पहुंच चुके अभी हम यहाँ पे, और कुछ मीडिया बाइट्स वगैरह चल रही है, विशाल भैया भी यहीं पे हैं। अब जैसे पहाड़ देखोगे तो सर डरते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है वहाँ, सिर्फ इसके पीछे से जैसे हम यहाँ खड़े पीछे से ऐसा ही पहाड़ यहाँ नजर आएगा। विशाल भैया त्रिकुटा परिक्रमा हो गया, फ्लैग ऑफ। हाँ, हम थोड़े से लेट है, नहीं ठीक है, ऑन टाइम ऑन टाइम। चलो बढ़िया है। तो विशाल भैया करवा रहे हैं क्लाउड कैंपेन कैफे किसी प्राइवेट लिमिटेड, तो अभी हो गया शुरू। तो ये कौन थे हमारे साथ अभी पहले? ये एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी थे। ओके। और टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं ये सर। तो आज ये सब लोग मिलजुल के हम लोग पहला जो बैच परिक्रमा वो अरेंज कर रहे हैं। हम पता कितने लकी, फर्स्ट बैच जा रहा है त्रिकुटा परिक्रमा, हिस्ट्री में पहली बार होने जा रही है और उसका हिस्सा हम बन रहे हैं। तो वी आर सो लकी। जय माता दी कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, जय माता दी। हेलो हैप्पी, कैसे हो? ठीक हो? नमस्ते भाई, नमस्ते। आना आपने भी? नमस्ते, क्या हाल है? देख लिया उसने, देख लिया। बड़े गंदे आदमी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं यार। पानी पी रहा गुस्सा ने? पानी नहीं, खीरे दे दो, प्लेट में खीरे दे दो। मैं पानी और खीरे खिला रहे हैं। खीरा बिल्कुल देसी है, चटनी बड़ी मस्त है यार। और यहाँ पे स्वागत के लिए बैंड बाजा लेके आए हैं सब गांव वाले। चलो भाई का स्वागत होता हुआ।
आपका हर बैनल खासकर नाना नानी और दादी वाला। लोकल बर्फी है यहाँ की? जी जी हाँ, खुद खुद बनाई है? हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, आगे रास्ते में दुकान है। और ये भी भैया अपने लगाए हुए देसी? हाँ हाँ, क्या बात है, सेब भी देसी है, खीरे भी देसी है और अपना बंदे भी देसी है, क्या बात है, मजा आ गया। देसी चल रहा है, चटनी नारदाने की है। ओह हो, मजा आ जाएगा। स्टिक भी देसी है? देसी स्टिक भी देसी है, देसी है। फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ से हमने ट्रैक शुरू करना है और यहाँ पे फाइनल स्वागत हो रहा है। वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? बड़े अब आप सुना कैसा है? बस के ठीक है ना। बोली तो मैं और पोल लेके प्लेट में खा रहे हैं पूरी और आलू। यहाँ बैठा था आप लोग, लोग ठीक हो भैया? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी कोठड़ी बस स्टैंड पे हम, और ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ से जो है हमारी परिक्रमा शुरू होगी, ट्रैक शुरू होगा और यहाँ पे खाने पीने का सामान आप लास्ट ले सकते हो, दुकान भी है, हम भी ले रहे हैं पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स चुप्स भर लेते हैं क्योंकि रास्ता लंबा है। भैया दे दो यार पानी वानी, मैकडॉनल्ड नंबर वन पानी, बिस्किट बिस्किट वाला हर चीज़ मिलता है यहाँ पे आपको, सारा कुछ मिल जाएगा। अगर बाई चांस आपको चप्पलें लेनी तो वो भी इधर मिल जाएंगी आपको। फिर यहाँ से निकलेंगे हम, ट्रैक करते शुरू। घूमे घूमे बंजारे, घूमे दुनिया ये बेचारे, जोनो व्हिच वे डू गो, अब आगे होगा क्या, क्या होगा बताओ कमेंट करके। तो पहुंच गए जनाब हम, यहाँ से आगे जाएंगे अब हम पैदल, यहाँ से परिक्रमा हमारी शुरू होगी। ये जा रहे हैं लोग, आगे टोल वगैरह भी जा रहा है। वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना आपको, वो क्रॉस करके हमने नीचे उतरना है। तो आज भाई साहब असली परिश्रम जो है वो हमारा होने वाला है, असली परीक्षा होने वाली है। जाना कहाँ पे है? है? जाना कैसे है? ये इधर से होते हुए, वो उधर से होते हुए, वो उधर उधर उधर। सो हमारा ट्रैक जो है वो शुरू हो चुका है और फिलहाल तो सबकी हालत ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जो खराब भी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चलने के लिए 12 किलोमीटर है, वो भी खड़ी चढ़ाई। और हमारे ब्रो, यो ब्रो व्हाट्स अप ब्रो, बढ़िया। नहीं आए हाय, शर्मा गए क्या, फोन काट दिया, मम्मी आ गई क्या? पापा पापा, ओह सॉरी। तो वो वहाँ पे जो है चेंजिंग भी हो रही है, लोग चेंज कर रहे हैं ट्राउजर पैंट वगैरह, यही पे अच्छी बात है, करना चाहिए, तो क्या हो गया। तो सबसे आगे हमारे विशाल भैया लीड करते हुए वो जा रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं जाना हमने, वो सामने पहाड़ी है बस उधर तक, उसके पार जाना है, जितना ऊपर चढ़ना है उतना नीचे उतरना है। विशाल भैया जो इतने महीनों से जिम नहीं गए तो आके कसर हम यहीं पर निकाल रहे हैं, जो वो जो कभी कभी 6 महीने में आप जिम में जाते, 6 महीने में एक बार जिम में चले जाते हैं, भी डालते हो। हाँ तो यार दिखाना पड़ता है कि जिम जाते हैं, ये तो जिम गोइंग पर्सन। तो वो जो कसर है ना हम ट्रैक्स पे निकालते हैं, तो आज निकालेंगे अच्छे से, ट्रैक करते हैं। हाँ ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है फिलहाल, मजा आ रहा है। शाबाश शाबाश, जागता हूँ
वेरी गुड। जय माता दी, 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 जय माता दी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। भूल भड़क गया मेरा। मात रुसदी, जय माता दी, असें मनाना, जय माता दी, पैदल जाना, जय माता दी। शाबाश मुंडियो, शाबाश। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो रुकते रुकते गिरते पड़ते चल रहे हम। वैसे मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कोई खास थकावट है नहीं, मतलब थोड़ा रेस्ट करते करते जाओ हिसाब के साथ तो फिर तुम्हें थकावट जो महसूस नहीं होती। लेकिन कुछ लौंडे लपाटे अपने साथ हैप्पी और रक्षण वगैरह वो थोड़े पीछे रह रहे हैं। और ये किश्तवाड़ी है भाई मेरा, ये चले जा रहा है, ये बाकी को नहीं बैठने दे रहा, रुक नहीं दे रहा, कहता चलते चलो। इसने हेडफोन लगाए, इसको सुनाई भी कुछ नहीं दे रहा, दे रहा सुनाई नहीं, कहता नहीं। क्रीम दोनों ऐसे लगाया जैसे पोलाड होता है, पोलाड भाई साइमन होता है। रील नहीं देखी आपने कल वाली? तुक्का लग गया तेरा एक बार। हेलो, 51 रन 27 बॉल, सूर्य कुमार यादव 2.0। खेलता तो लेफ्टी है, बोल अपने को सूर्य कुमार यादव। क्या यार, 2.0 बोला ना मैंने, तभी 2.0। तो अभी हम चलते जा रहे हैं और जेकेबी के जवान भी हमारे साथ चलते जा रहे हैं। भैया जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाय 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 हाय, मजा आ गया। हाय, निकल जाओ हमारे देश से, निकल जाओ, हमारे देश में राज करते हो, करते हो, करते नहीं है। इदरा नहीं है क्या? फिलहाल तो उनके देश में आया, उन्होंने चंडा करके निकाल देना तेरे को। थोड़ा हैप्पी यहाँ डाल देता हुआ, हालांकि इसके अंदर से बहुत अस्के कुमार हमारा जंगल गली वाला, जंगल गली वाला कल मिला था ना, कल मिलेंगे वापस अस्के कुमार, हम फिर से मिलेंगे। वो सामने से आए हम चल के, वो सामने देखिए आपको रोड, वहां से होते हुए नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ गए, और अभी यहाँ से शायद से 4 घंटे का ट्रैक ओवर है। और देख सकते हो सौ रुपया भाई शम्मा लगाते हुए, ओ शम्मा शम्मा रीता पींदी शामे शामे तो गिरो गिरतिया हो ब्रो, ओ मुंडा लंबड़ांदा कुंडी मुझ रखदा। अबे हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट स्कूल, पता नहीं कौन सा अभी है, कहां पे गट्टी बोल रहे नहीं। हां क्या स्कूल का नाम आपके? रक्षण कोड़ा आ गया तेरे लिए, आ जा अगले घोड़े को जल्दी जल्दी। थक तो नहीं गए? नॉर्मल थक तो नहीं गया? घोड़ा घोड़ा थका, तू नहीं थका? रक्षण। तो अभी हम पहुंचे हैं बीच के डेस्टिनेशन पर, यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम है और प्रोग्राम चल रहा है, दिखाते हैं आपको। Yeah.
ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਰ ਆਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਵਗੈਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾ ਦੇ ਕਲੋਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਕਲੋਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਦੀ मैसेज देना चाहूंगा कि सब लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागे इस तरह के हमारे इतने सुंदर पहाड़ यहाँ पे हैं तो इन सब पहाड़ों पे हम लोग को भी कुछ कोशिश करनी चाहिए कैंप होम स्टेज इस तरह का एक कल्चर डेवलप करना चाहिए अगर हिमाचल में लोग इस तरह के पहाड़ों में करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा ये क्या हो रहा है रोटी खा रहे हो खाना खाना ओके लंच लंच इधर कौन बैठा अभी हम कर रहे हैं लंच और लंच में बिल्कुल देसी रोटी टोडा सब्जी राजमा चोल और क्या बात है और हमारे भाई और लेके आ रहे सलाद क्या बात है क्या बात है क्या बात है चेयर भी ले अपने लिए इधर कसम से खाना खा के ना मजा आ गया यार देसी रोटी एकदम इतना स्वादली मतलब रोटी थी ना बहुत ज्यादा मजा आया तो टाइम हो चुका है कितना 3:10 और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से हम जाएंगे जंगल गली की तरफ पता नहीं कितने घंटे लगेंगे अभी और उम्मीद करते हैं कि पहुंच जाएंगे डस्टबिन भी रखा है यहाँ पे सो सकते हो पहाड़ी लोग ठीक होते यार हम शहरी गंदम जाते जा जाते वैसे मैं भी पहाड़ी हूँ तो अभी सौरभ भी और आ रहे हैं नीचे से तो सौरभ को चुन्नी के साथ थी हम जोर से बोल लो सारे बोलो मैं नहीं सुनिया प्यार से बोल लो जोर से बोल लो माता नहीं मन दी असे मनाना पैदल जाना जोरे जाना टकिया चढ़िया तो ये वाला रास्ता थोड़ा अच्छा है सीधा सीधा है सारे नीचे से जा रहे हैं हम थोड़ा बीच बीच में से जा रहे हैं मैं और हैप्पी थोड़ा फील लेते हुए हम पहाड़ी बंदे हैं पहाड़ ना सीधा रास्ता नहीं रास्ता नहीं आता सीधा ही चलना था जम्मू में चलते हैं ना जम्मू की सड़कों पर नहीं चल रहे पहाड़ी पे चल के मजा आता थोड़ा बट अब नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता बंद है तो ये अंकल जो है त्रिकुटा परिक्रमा पूरी नंगे पैर पूरी कर रहे हैं क्या बात है अंकल जय माता दी जय माता जी जय माता दी जय माता जी और ये जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है ये है त्रिकुटा पर्वत और इसी की परिक्रमा जो है हम अभी कर रहे हैं बोल सांचे दरबार की जय दरबार की जय वैष्णो मैया की जय बड़ी तेज चल रहे घोड़े से भी आगे घोड़े से भी आगे चल रहे हैं अभी तो हमने चने खाए हैं ना आपने सिर्फ आलू खाए भूखे हमने चने खाए थे हम घोड़े से भी आगे जा रहे हैं तो फाइनली अभी हम आपको ना ऐसी जगह दिखाएंगे मम्मी कसम बुद्धे भरा ही कसम आपको मजा आ जाएगा सीधी ग्राउंड और डाइया मारी थी हमने उधर बर्फ में किधर इस बार बर्फ नहीं हो गई किधर मारेंगे किधर ये मंदिर के पास ये मंदिर दो किलोमीटर का पास यार किन्या बोले ना खच्चर खच्चर दोबारा बोलना तू खल्ले चलो ओ सीधे पार ऊपर ही आ इया मुड़ी मुड़ी है होगी यार बड़ी मेहनत करते यार निकले के मुंडे ना इने मीटर लाए वे जिन्ना जिन्ना ट्रैवल आए ना दे लते ही जिन्ने किलोमीटर चले से ओदा सबे पैसे बनने देखो सही गल है जानी इथे भी जाई सके पतरा रोड कोई ले आ दे ओ पैसे किलोमीटर ज्यादा बनना बिल तो हुंदा चढ़ा बड़ा लते कने यार कसम से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है अभी शाम का वक्त हो रहा है ना तो ठंडी ठंडी हवा भी चलने शुरू हो चुकी है और धूप बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार जय माता दी थोड़े से थोड़े थोड़े से थक भी गया है और थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा है हमें चलने का भाई बहुत थक गया यार बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और रास्ता खत्म होने को नहीं आ रहा है शुरू शुरू में मजा आ रहा था अब बहुत थकावट हो रही है भाई पसीने से पेंट भी गिल्ली हो गई भी पूरा गीला हो गया हूँ पसीने से और अभी टाइम कितना हो गया अभी 4:30 हो गए और शायद से हमें
7-8 बज जाए आज, 8 बज जाएंगे नीचे, 8 बज जाएंगे। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल इन्हें बूटे लग दे इस दब, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। सेंस वाली गल की अगर निट्टू माशू का मुंडा है तू, कॉमर्स रखी दी उपरा तेरे पापा मास्टर हैं, वो अपना नहीं पापे दा सोच नहीं, ओकरा ही बंदे पूछ ले कोई आखा ऑक्सीजन नहीं आवे, ओना आखा बूटे हट जा उधर वालों, बूटे बूटे हट रही है खा ऑक्सीजन नहीं आवे तेरा मुंह ही मिट्टी दिया। तो यार बहुत ज्यादा थक गए, सांस तो बहुत चढ़ रही है चलते चलते, पर चलना तो पड़ेगा, रास्ता खत्म करना है, परिक्रमा ऐसे पूरी नहीं होगी त्रिकुटा। तो अभी फाइनली चलते चलते इस जगह पर पहुंचे हैं, काली माता मंदिर, जहाँ पे ये बादल सामने आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं टॉप पे, बिल्कुल ये काली माता जी का मंदिर है। वहां से आगे कह रहे हैं कि उतराई है सिर्फ, फिर एक घंटे का रास्ता, एक घंटे की उतराई है, बादल है थोड़ा भी उसके बाद, नहीं नहीं धुंध है, ओ धुआं है, आग लगाई नहीं किसी ने, बादल है यार। सो फाइनली टॉप पे पहुंच चुके, ये चिनार का बूटा है बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे छोटी सी ग्राउंड है, क्रिकेट खेल सकते हैं, और वो हैप्पी जा रहा है, और बहुत बुरी हालत हो चुकी है, चल चल के हैं, इकलौती शॉप है और ये मंदिर है। जय माता दी, इस मंदिर के बारे में उधर जाके बताता हूँ, और ये इकलौती शॉप है यहाँ पे। जय माता दी, विशाल भैया घोड़े पे आ गए यार, क्या बात है यार, तो क्या खाया आज आपने, मत पूछो, बोला हम और ये सारी जगह आपने देखी थी, साथ में आ गए, हमें लगा था 1.5 घंटे बाद पहुंचे, स्टैमिना क्या बात, जी गया, भैया क्या बताऊं यार, कितनी खुशी हो रही है। सो फाइनली 5 बजे, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, गली है, हाय हाय हाय, तो मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि ठंडी हवा चलनी शुरू हो चुकी है, पसीने से मैं ऐसे पूरा गीला हो चुका हूँ, तो वो ठंडा होगा तो फिर कहीं बीमार ना हो जाऊँ, तो फिलहाल मैं हैप्पी वगैरह निकल रहे हैं। हाँ तो यहाँ से सीधा उतराई है नीचे की तरफ है, अब चढ़ाई नहीं है, तो मजे मजे से जाएंगे हम, ठीक है। तो अभी परिक्रमा जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अभी ये रोड जो है हमारे सामने आ चुका है, कच्चा रोड, और कुछ और थोड़े से सफर के बाद जंगल गली का क्लाउड कैंप एंड कैफे आ जाएगा, और तो माता रानी की कृपा से परिक्रमा पूरी हुई है, और हैप्पी हिस्ट्री में पहली बार त्रिकुटा परिक्रमा हुई है, और उसके मतलब रिश्तेदार हम सब थे, बिल्कुल कितने लकी यार, यार सबसे बड़ी बात है और किस्मत वाली बात है हमारे लिए, बाइक वाली जो हुई थी उसमें भी हम थे, और ये पैदल वाली हुई है तो इसमें भी हमसे, थैंक्स टू यू ब्रो, जय माता दी, सुबह सुबह बोला उठ उठ जल्दी आ जल्दी आ, सबसे पहले तो हम, मैं और हैप्पी मतलब पहाड़ी बंदे, सबसे पहले हमने ट्रैक खत्म किया है ना, अपने पहाड़ी बंदे हम सारे सबसे पहले ट्रैक खत्म किया, और ये गाड़ियां यहाँ पे लगी हैं, ये यहाँ से जाएंगे अब हम क्लाउड कैंपन कैफे, वो शायद से वो वाला मोड़ काट के वहाँ पे क्लाउड कैंपन कैफे, जंगल गली वाला अपना विशाल भैया का, और विशाल भैया खुद बहुत पीछे हैं अभी, तो ये टेम्पो वगैरह में जाएंगे अभी हम, पर लेटूंगा मैं यार आराम से, फाइनली क्लाउड कैंपन कैफे पहुंच गए भाई, इधर पहुंच के ऐसा लग रहा है जैसे 7 बजे भी साथ, और हम सबसे पहले आए, सबसे पहले, और आधे मतलब बाकी जितने भी लोग हैं कम से कम उनको 2 घंटे और लगेंगे, वो इतने पीछे हैं। सबसे खुशी की बात पता क्या क्या, आज क्लाउड कैंप भी ऐसा लग रहा है जैसे हमारा घर है सबसे, चल जल्दी चल मैं लेटू, विशाल जल्दी चल, जल्दी चल मैं लेटू, हम सबसे पहले पहुंचे। तो पिछले 1 घंटे से मैं और हैप्पी रेस्ट कर रहे हैं, कंबल हमने ले लिया हुआ है, और हम बिल्कुल टॉप लेवल पे है, मतलब क्या बोलते हैं इसको भाई, हम बेस कैंप और अभी 2 घंटे हम टॉप कैंप पे हैं, और मतलब 1.5 घंटा हो गया हुआ है, वो सारे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हम मतलब 1.5 घंटा आ गए थे, हैप्पी यार 1.5 घंटा आ गए, और ना सबसे सही चीज बताऊं क्या है, इधर पहुंच के हम उनको जान बूझ के फोन कर रहे हैं, हेलो अभी तक नहीं पहुंचे हम, तो आधे घंटे से रेस्ट कर रहे हैं यहां पे, ये जो फील है ना बहुत मजा आ रहा है, रक्षण कर, ओ माय पहुंच भी गए यार, ये गलत बात है, अभी रक्षण आएगा ना उससे मिलवाएंगे आपको, तब तक हम रेस्ट कर लेते थोड़ा दोबारा, हमने चाय पी ली है, वो यार वो तो शॉट डाला ही नहीं, लेकिन कसम से इतनी मतलब हालत भी इतनी खराब हो गई ना, मजा तो आया, हालत इतनी खराब हो चुकी ना, हम फिर ठीक है क्योंकि हम रुके कम चलते हैं, भैया को रुकने नहीं दिया मैंने, भैया कहते मैं ना, आज सौरभ भैया ने सबसे सही ट्रैकिंग करी है लाइफ की, सबसे 30 सेकंड से ज्यादा का कोई भैया ने स्टॉप ही नहीं लिया, कोई पता नहीं। हाय रक्षण, हेलो, बोली पहुंच गई तू, कब पहुंची आपको, क्यों पहुंची, हम 2 घंटे हो गए, खाओ कसम, और नहीं तो कब के लेटे हुए,
क्या यार स्लो चलता बहुत तू यार स्लोला स्लोला क्या यार बोले यार ट्रक नहीं पर थक गया मैंने किधर सुना है।